हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप। से उम्मीद करते काफ़ी अच्छे होंगे। सिक्किम पांडिचेरी वुमेंस टी10 का ये फर्स्ट मैच कवर करे जो एंजल्स वुमेंस वर्सेस क्वींस वुमेंस के बीच में इस सीरीज का एक और बेहतरीन मैच होगा। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे क्या कुछ हमारे टीम कॉम्बिनेशन इस स्मॉल लिस्ट के लिए रहेंगी और क्या कुछ हमारे ग्रैंड लिस्ट के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। और वैसे भी हमने ऐसे दोनों ही टीमों की ओर से दोस्तों काफ़ी सारे रिसर्च एंड एनालिसिस करने पर इस मैच में भी आप सभी को लो सिलेक्शन वाइज प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो यहाँ से स्मॉल लिस्ट के साथ साथ मिनी जीएल और आप सभी को ग्राइंडिंग्स भी विन करा कर देंगे। देखो स्टार्टिंग मैचेस ही एज अ प्रॉफिट आपको मिलेगा क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी प्लेयर हैं जिनके अगर आप सिलेक्शन वाइज देखो तो बहुत ही लो सिलेक्शन है, पर उन प्लेयर्स का रोल इस मैच में ठीक ठाक रह सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्या कुछ हमें यहाँ से स्मॉल स्क्वाड टीम क्रिएट कर सकते हैं और क्या कुछ हमारे लिए ग्रैंड लिस्ट के ऑप्शंस कैप्टन वाइस कप्तान के लिए डिफॉल्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑप्शंस रहेंगे। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो एंड तक देख लेना। और दोस्तों सबसे पहले देखो जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेंगे। और वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों अभी हम चलते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में कवर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे टेलीग्राम से जुड़ना। जो लोग अभी तक हमारे फैंटेसी क्रिक फैन के टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो शायद बहुत कुछ मिस कर रहे हो। देखो ऑफिशियली प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर जो कुछ भी हमारे टीम्स में चेंजेस होते हैं सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पे ही देंगे। और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप सभी को सर्च नहीं करना है, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा उसी के थ्रू ही जुड़ना है। और मैच के टाइम सिर्फ लास्ट के मिनटों तक चैनल पर एक्टिव रहना ताकि जो कुछ भी हमारे ग्रैंडिंग एंड स्मॉल लिस्ट की फाइनल टीम हो इसकी अपडेट्स सबको मिलती रहे। और वैसे भी दोस्तों आप सभी लोगों का फीडबैक वगैरह टेलीग्राम पे ही मिलेगा देखने को, तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सर्च नहीं करना ये चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखना। और मैच के टाइम लास्ट के मिनटों तक सिर्फ एक्टिव रहना। तो ये सिक्किम पांडिचेरी वुमेंस टी10 का ये फर्स्ट मैच है जो आपको 9:30 बजे करीब में कैप ग्राउंड 3 पर ही मैच होगा, जिसके एवरेज स्कोर आपको 80 से 110 के बीच में ही देखने को स्कोर मिलेंगे। पीछे एक तरह से बैलेंसड नजर आएंगे जहां पे बॉलिंग बैटिंग दोनों को इस वेन्यू पर अच्छे खासे हेल्प मिले। और ये चीज़ें हम रिसेंट के मैचों में भी ऑलरेडी इस वेन्यू पर देख चुके हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो लोग भी नहीं जुड़े दोस्तों ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको सर्च नहीं करना ये चीज़ें ध्यान में रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पर एंजल वुमेंस की टीम इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के बारे में। तो इनकी टीम की ओर से यहाँ पर तो शिवांती गुप्ता नजर आएंगे, राइट हैंडर बैट्समैन है। रिसेंट के दो मुकाबले इन्होंने T20 के अंदर क्लब लेवल के मैच में खेला जहाँ पे 0-56 का स्कोर है। वैसे भी ये कभी कभार तो अपने टीम के लिए ओपनिंग भी आएंगे, जो वन डाउन भी बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं, पर T10 के अंदर इन्होंने ओपनिंग ही करवाया। पर रिसेंट के मैचों में डक पर आउट इससे पहले 56 का स्कोर था। थोड़ी सी एज एवरेज फॉर्म प्लेयर्स रहेंगे जो 20 या फिर 30 प्लेयर्स इस T10 के मैच में करके दे सकती हैं और फर्स्ट टीम में टीम इनकी बैटिंग कराएंगी, तो यहाँ से इनको हम एज अ प्लेयर टीम्स में ट्राई करके चलेंगे। तो ये जो थोड़ी सी चीज़ दोस्तों ध्यान में रखकर चलिएगा। बाकी जो यहाँ पर कार्तिकेय नजर आएंगे, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलिंग है, टीम के कैप्टनसी कर रही है, 11 मैचेस 279 रन जहाँ पे टोटल 18 का एवरेज, 2 विकेट था दोस्तों रिसेंट के मुकाबले खेले गए जहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अब लास्ट के मैचों में 4 इससे पहले 63, उसके बाद 15 का स्कोर, 1 विकेट जहाँ पे 1 ओवर के भी बॉलिंग था, तो कहीं ना कहीं देखो तो एक डिसेंट पिक्स रहेंगी जो स्मॉलिंग हम इनको एज अ प्लेयर को पिक कर सकते हैं। पर मिनी जीएल और ग्रैंड लिस्ट के टीम्स में आप इन्हें कैप्टन वगैरह भी करके जाओ। इस मैच के ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे, 3 से 4 ओवर कॉन्टेस्ट एज अ स्मॉलिंग में भी आप इन्हें कैप्टन वगैरह कर सकते हो। दिब्बे की बात करें, राइट हैंडर बैट्समैन है, 4 मैचेस 62 रन, सिर्फ 1 विकेट है, इनका ऑलरेडी का स्टार्ट्स था, T20s का कहीं पर भी स्टार्ट्स अवेलेबल है नहीं। अगर देखो तो एक तरह से ओडीडी के अंदर भी कुछ खास अच्छा इनके लिए मैच गया नहीं है, और आपको रिस्क कवर कर पाओ तो ही स्मॉलिंग में रखो। और मेरे हिसाब से इन सभी को आप सभी को जीएल के टीम्स में ही पिक करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद यहाँ पर और जो शोभाना नजर आएंगे, राइट हैंडर बैट्समैन, लेग ब्रेकर बॉलिंग है, ये आपके लिए एक डिसेंट सा पिक रहेंगे। देखो इन्होंने 5 मैचों में 5 विकेट निकाले, इनका जिस तरह से T20s के अंदर भी स्टैट्स है ना, 23 मैचों में 84 रन 28 विकेट, तो जिस तरह से इनकी बॉलिंग से फॉर्म है वो ठीक ठाक है, लेग ब्रेकर बॉलिंग है, और आप इनको एज अ प्लेयर अपने स्मॉलिंग में पिक करके चलेगा। देखो इनकी अगर आप सिलेक्शन वाइज देखो तो बहुत ही लो परसेंटेज है, और इस मैच के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे, स्मॉलिंग में इनको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो तमन्ना दो की 10 मैचेस 274 रन, इनका ऑलरेडी का फॉर्म है, रिसेंट के कुछ मुकाबले इनका खेला गया जो कि ये 2022 और 23 में था। और राइट हैंडर बैट्समैन है, रिसेंट के मैचों में 26 7
उससे पहले ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग था इनका, मिडिल ऑर्डर बैटिंग ऑप्शन है, थोड़ी सी इनकी फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग आती है तो आप एज अ प्लेयर इनको रिस्क लेकर अपने स्मॉलिंग में जा सकते हो। दिव्या का स्टार्ट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, जैसे मिलता है टेलीग्राम पर अपडेट्स कर देंगे। बाकी यहाँ पर जो निहारिका नज़र आएंगे ना दोस्तों, रिसेंट के मुकाबले देखो तो ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग, लास्ट के मैचों में 17-8 से पहले 13 का स्कोर विकेटलेस गए, जहाँ पर एक ओवर का बॉलिंग था, 7 मैचों में 19 रन सिर्फ एक विकेट। इनका करियर स्टार्ट से भी कुछ खास अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, तो यहाँ से इनको ड्रॉप करना। बाकी जो रोहिणी नज़र आएंगी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग है इनका, T10 फॉर्म है, रिसेंट के मैचों में 1 विकेट से पहले भी 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, तो बॉलिंग से फॉर्म ठीक ठाक है। लेग स्पिन जो बॉलिंग कराती हैं, और आप इनको एज अ प्लेयर के साथ साथ जीएल के भी टीम्स में कैप्टन वगैरह करके जाओ, फिलहाल अभी तो एज अ प्लेयर हम इनको पिक करेंगे। बाकी जो यहाँ पर लिंसी नज़र आएंगे विकेट कीपिंग कराती हैं, पर इनका कुछ मुकाबले खेलेगा ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग, फिलहाल ये अभी इनको आप जीएल के टीम्स में ही रखो। बाकी जो यहाँ पर जो जॉनसन भी नज़र आएंगे और पूजा नज़र आएंगे ना, ये भी ये सब ग्रैंड लिस्ट के ही सेफ रहेंगे, यहाँ से स्मॉलिंग में हम किसी को रखेंगे नहीं। और बेंच प्लेयर से जो कुछ भी प्लेयर यहाँ से खेलेंगे दोस्तों, सारे अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो यहाँ पर किंग्स वुमेन्स की टीम है, इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के बारे में, तो इनकी ही टीम की ओर से रिंकी एज राइट हैंडर बैट्समैन है जो ओपनिंग बैटिंग कराते हुए दिखेंगे। 10 मैचेस टोटल 374 रन इनका ऑलरेडी का फॉर्म है, और वैसे भी इस मैच के डिसेंट पिक रहेंगे, जीएल वगैरह के टीम्स में कैप्टन भी कर सकते हो। फिलहाल अभी तो एज अ प्लेयर हम इनको यहाँ से टीम्स में ट्राई करके चलेंगे। जो कि यहाँ पर दोस्तों पांडे का भी जो फॉर्म है ना राइट हैंडर बैट्समैन, 10 मैचेस 286 रन, इनके पास भी फॉर्म ठीक ठाक है, फिर भी इनकी टीम फर्स्ट में बैटिंग कराएंगे तो यहाँ से इनको रखेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर रिंकी के साथ जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो सुनाल नज़र आएंगे ना दोस्तों, राइट हैंडर बैट्समैन है, राइट ए मीडियम बॉलिंग, 10 मैचेस में 401 रन, 57 के एवरेज, जहाँ पे 18 विकेट थे और रिसेंट के मैच खेले गए, जहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोस्तों बॉलिंग बैटिंग दोनों ही है। फर्स्ट मैच इन्होंने 22 का स्कोर विकेटलेस, इससे पहले 6 रन का स्कोर विकेटलेस, 22 का स्कोर 1 विकेट, 2 ओवर के बॉलिंग, तो ये आपके लिए बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करके देंगे, जो कि आप इन्हें स्मॉलिस्ट के साथ साथ मिनी जेल और ग्रैंडिस के भी टीम्स में कैप्टन वगैरह करके जा सकते हो। रेबका की अगर हम बात करें तो 5 मैचेस 53 रन विकेटलेस के, इनका ऑलरेडी का स्टार्ट था, मिडल ऑर्डर बैटिंग ऑप्शन से, फिलहाल अभी इनको आप जेल की टीम में ही रखना। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर लिखिता नजर आएंगे राइट हैंडर बैट्समैन, लेग स्पिन बॉलिंग, 7 मैचेस में टोटल 1 रन, रिसेंट के मैच खेलेगा, जहाँ पे बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कराए, तो ये एक डिसेंट पिक रहेंगे। देखो लास्ट के मैचों में 35 का स्कोर विकेटलेस थे, इससे पहले 53 का स्कोर 1 विकेट, तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे टच में चल रहे हैं, और आप एज अ प्लेयर इनको यहाँ से टीम्स में ट्राई करके चल सकते हो। बाकी जो चौधरी है 4 मैचों में 3 विकेट, 72 रन है इनका, इसके सिवा शिवा शंकारी जो कि 4 मैचों में ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग, वैसे भी अगर आप चाहो तो चौधरी की फर्स्ट इनिंग में टीम बॉलिंग कराएंगे तो यहाँ से इनको टीम्स में ट्राई कीजिएगा। टीम के जो मेन बॉलिंग है तो जो यहाँ पर सिरले रानी नज़र आएंगे, देखो राइट हैंडर बैट्समैन, राइट एंड मीडियम बॉलिंग है, लास्ट के मैचों में 1 विकेट से पहले ये विकेटलेस थे, और किसी किसी मैच में इन्होंने एक ओवर भी बॉलिंग करा, तो आपको थोड़ी सी बॉलिंग ऑप्शन से रिस्क लेना हो तो इनको टीम्स में ट्राई करना। बाकी जो यहाँ पर अमृता नज़र आएंगे ना, 6 मैचेस में टोटल 16 विकेट, ओडीडी का फॉर्म है, और रिसेंट के मैच खेलेगा, जहाँ पे अच्छे खासे बैटिंग बॉलिंग दोनों ही इनके पास है, जहाँ पे 1 विकेट 2 विकेट विकेटलेस रहे 1 विकेट, तो ये आपके लिए डिसेंट पिक रहेंगे, टीम्स में ट्राई करके इनको जाओ। बाकी जो दिव्या है सर ग्रैंडलिस के सेफ, इनके पास स्टार्ट्स अवेलेबल है नहीं, और जो भी कुछ भी बेंच प्लेयर्स इनके खेलेंगे प्लेयर्स, सारे अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों देखो, हमने ऑलरेडी ये काफ़ी रिसर्च के बाद टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके रखे, जहाँ पे विकेट कीपिंग ऑप्शन से हमने एस लिंसी को रखा। इनके सिवा आपके पास ऑप्शंस के तौर पे काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप चाहो तो इनके साथ भी इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ी सी हमने रिस्क लिए हैं। जो हमारे पास बैटिंग ऑप्शन है वो भी काफ़ी सेफ, स्टार्ट्स के मुताबिक हमने खुद के अपने एनालिसिस वाइज जैसे टीम क्रिएट टीम्स के साथ जा रहे हैं, चेंजेस करना हो तो अपने रिस्क वैसेज पे खुद के टीम्स में कैप्टन करना, पटेल भी इसे कैप्टन के लिए सेफ रहेंगी, थोड़ी सी हम यहाँ पर रिस्क लिए हैं दोस्तों। मोरेज हमारे कैप्टन के होना तो बेस्ट ऑप्शन, वाइस कप्तान इनके साथ जा रहे हैं, सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट है। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी नेक्स्ट मैचेस के प्रेडिक्शन के साथ, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों